मैं ताजहरी महल जोधपुर के ओर से आए हुए सभी अतिथियों का स्वागत करता हूँ और स्वागत करता हूँ आज के हमारी अतिथि लेखिका श्रीमती अंशु हर्ष जी का भी, जिनका हिंदी साहित्य में योगदान रहा है। हम सभी उनकी लेखन यात्रा के बारे में दिलचस्प बातचीत का इंतज़ार कर रहे हैं। धन्यवाद। कलम श्रृंखला के इस संस्करण में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जोधपुर के साहित्य जगत में अपनी पहचान बना चुके प्रभा खेतान फाउंडेशन के प्रयास कलम को प्रस्तुत कर रहे हैं प्रायोजक श्री सीमेंट, हॉस्पिटैलिटी पार्टनर ताज हरी महल और हम एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर, शैलजा सिंह, सुषमा नीरज सेठिया और मैं प्रीति मेहता। प्रभा खेतान फाउंडेशन भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति को बढ़ावा देने के सहित विभिन्न सामाजिक कल्याण गतिविधियों से भी जुड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं, हम हिंदी में कलम के अलावा इंग्लिश में राइट सर्कल, मारवाड़ी में आखर और एक मुलाकात जैसे प्रोग्राम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आज हम सबके बीच हैं अंशु हर्ष जी, बहुत बहुत आपका स्वागत। ये अद्वितीय कवित्री अंशु हर्ष, जिन्होंने अब तक 1000 से अधिक लेख, कहानियाँ और कविताएँ लिखी हैं। आप सिंपली जयपुर और वॉइस ऑफ जयपुर के बायलिंगुअल मासिक और साप्ताहिक की संपादक और प्रकाशक हैं। शब्दों का समुद्र और प्लेटोनिक लव शीर्षक हिंदी कविता संग्रह प्रकाशित किए हैं और आपकी नवीनतम कृति महाभारत के हनुमान एक पौराणिक कल्पना है। आप राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की संस्थापक और पिक बुक जयपुर की क्षेत्रीय संचालन प्रमुख हैं। आप सबको जानकर, आई डोंट नो आप जानते हैं कि नहीं, बट अंशु हर्ष जी जोधपुर की ही बिटिया हैं, तो आज आपको अपने ही घर में बहुत बहुत स्वागत। अंशु जी से आज बातचीत कर रही हैं हमारी अपनी शैलजा सिंह। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और आभार आप सभी का जो आज इस कार्यक्रम में पधारे। तो आइए हम सब मिलते हैं अंशु हर्ष से। कलम श्रृंखला के प्रथम सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज का दिन ये हमारे लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज हमारी मेहमान हैं जोधपुर की बेटी और मारवाड़ की ही बहू श्रीमती अंशु हर्ष। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं अंशु हर्ष जी का। आज का दिन अंशु जी के लिए भी बहुत खास है, क्योंकि दर्शकों के बीच में उनकी माताजी विराजमान हैं, जो आज पहली बार उन्हें इस मंच पर प्रत्यक्ष रूप से देख रही हैं। अंशु जी, आपको कैसा लग रहा है जोधपुर के श्रोताओं से रूबरू होते हुए? सबसे पहले तो इस धरती की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माँ चामुंडा को प्रणाम करूंगी, क्योंकि जिस जगह पे हम बैठे हैं वो मेहरानगढ़ हॉल इस जगह का नाम है, तो उनको प्रणाम करते हुए, इस धरती को प्रणाम करते हुए, प्रभा खेतान फाउंडेशन को बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद दूंगी कि साल की शुरुआत में मुझे ये मौका मिला कि मैं अपनी जगह पर, अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के बीच में अपनी बात कह सकूं। तो आप सभी का बहुत आभार, धन्यवाद। फाउंडेशन का, आप एहसास वुमेन जोधपुर का बहुत आभार। और जैसे वो होता है ना कि क्रिकेट पिच पर जब प्लेयर खेलता है तो बोलते होम ग्राउंड में खेल रहा है तो अच्छा ही खेलेगा, और बूस्टअप करने के लिए अपने लोग आते हैं, तो बस आज मेरे मन में भी वही वाली फीलिंग है कि होम ग्राउंड में हूँ, अपने साहित्य का क्षेत्र है, तो देखते हैं। ये धारणा है और बहुत हद तक सही भी है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व और सृजनशीलता में उसके बचपन के इन्फ्लुएंसेस और एक्सपोजर का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो इसी संदर्भ में आपको ले चलते हैं आपके बचपन की ओर, आपकी पृष्ठभूमि जानने के लिए। मेरा जो बचपन है वो बहुत ही अच्छा रहा, और जो उसकी पृष्ठभूमि रही वो ये रही कि पैदाइश मेरी जयपुर में हुई। मेरे फादर श्री कांति प्रकाश पुरोहित पुलिस ऑफिसर रहे और उस वक्त उनकी पोस्टिंग जयपुर में थी, तो मेरा जन्म वहाँ हुआ। और फिर उसके बाद हर 2 साल 3 साल 4 साल में जगह जगह जहाँ उनकी पोस्टिंग होती गई, हम उनके साथ साथ वहाँ पर
घूमते रहे, वहीं हम पढ़ते रहे, तो घाट घाट का पानी पिया हमने। तो अब वो जब लेखन क्षेत्र में आए हैं और अब जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब वो प्रभाव लगता है कि जगह जगह जब रहे, कभी छोटी जगह भी थी, कभी बड़े शहर भी थे, और कभी कभी चूरू, सुजानगढ़, राजगढ़ जैसे एकदम गांव के एरिया में भी रहना पड़ा। उस वक्त तो बुरा लगता था कि कहाँ ला के रख दिया है, लेकिन अब जब मैं पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो लर्निंग्स ऑफ लाइफ हैं कि जो चीज़ें हमने किताबों में नहीं सीखी वो चीज़ें हमको जीवन की उन घटनाओं ने या उन एडजस्टमेंट ने और उन बातों ने सिखाई है। तो वो प्रभाव अब नज़र आता है कि शायद होना चाहिए ये सभी के जीवन में। वो महत्वपूर्ण क्षण आप साझा करना चाहेंगी जब आपने पहली बार लेखन या कोई लेख लिखा, और वो आपकी जो अभिव्यक्ति थी वो क्या थी, लेख था, कविता थी, या फिर कोई कहानी? सबसे पहले लेख क्या था बहुत अच्छे से ऐसे स्मृतियों में नहीं है, लेकिन अभिव्यक्त करना जब शुरू किया तो 2008 और 9 के आसपास की बात है कि मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट वही था। तब जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरी बेटी हुई थी और उसी की अभिव्यक्ति में एक कविता लिखी थी और लिख के कहीं छुपा ली थी, दबा ली थी, कहीं लिखा भेजा नहीं उसको। लेकिन 2-4-6 महीने निकले तो एक दैनिक भास्कर के अखबार में एक लेख भी लिखा और उस लेख ने मेरी ज़िंदगी को बदल दिया, क्योंकि वहाँ पर मैं विनर सेलेक्ट हुई और वो विनर सेलेक्ट होना मेरे को किक स्टार्ट दे गया कि मैं लिख भी सकती हूँ। तो फिर उसके बाद वो कविता भी मैंने छपने के लिए भेजी कहीं और वो छप गई। तो वो जो लेख लिखना था कि इतने बड़े जयपुर शहर में अगर मेरा लेख सेलेक्ट हो सकता है तो मैं शायद अच्छा लिखती हूँ, क्योंकि वो विदाउट एनी अप्रोच, बिना किसी जान पहचान के, क्योंकि 10 साल तक आप जब अगर हाउसवाइफ हो और आपका लेख सेलेक्ट हो जाता है, आपको कोई नहीं जानता, तो मतलब आप में वो स्पार्क है कि आप कुछ कर सकते हो। तो वो चीज़ मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट रही। और जब बेटी आई तो वो एक ब्लेसिंग, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग लेके आई कि उसने, उसके आने के बाद मेरी लेखन यात्रा शुरू हुई। तो अगर हम ये कहें कि आपका कवि मन है तो ये अतिशयोक्ति नहीं होगी। और कविता मेरे हिसाब से भावनाओं को इस तरह से पकड़ती है और इस तरह से अभिव्यक्त करती है जिस तरह से लेखन की शायद कोई और शैली नहीं कर सकती। तो आपको क्या लगता है कि कविता लेखन जो है ये एक इनहेरेंट टैलेंट है, या ये पेंटिंग, म्यूज़िक, डांस की जो विधाएं हैं उनकी तरह सीखा जा सकता है? सीखा, देखिए ये एक टैलेंट है, जो टैलेंट भी नहीं कहूँगी, ये एक आशीर्वाद है, एक ब्लेसिंग है जो ऊपर वाले की नेमत है। और सीखा सिर्फ तब जा सकता है कि अगर वो कहीं बीज आप में बो दिया गया है, या आप लेकर अपने प्रारब्ध से उस बीज को ले आएँ और फिर कोई मिल जाता है आपको जो आपको सिखा दे और उस पन्ने को खोल के आपके सामने रख दे आपके जीवन के कि आप भी लिख सकते हैं, या कोई प्रेरणा बन के आ जाता है और फिर आप लिखना शुरू कर देते हैं, तो तब वो गतिविधियाँ आपके जीवन में शुरू हो जाती हैं। और जो भी कला है, चाहे वो लेखन हो, गायन हो, या डांस का कोई फॉर्म हो, पेंटिंग हो, ये सभी कलाएं एक दूसरे से, मुझे ऐसा लगता है कि जुड़ी हुई सी लगती हैं। एक कला तभी विस्तार पाती है जब वो दूसरी कला से कुछ सीखती है। ये पेंटिंग है, अगर 10-15 मिनट कोई लेखक इसके सामने बैठेगा तो वो कुछ पंक्तियाँ रच देगा, कोई कंपोज़र बैठेगा तो वो उन पंक्तियों में सुर पिरो देगा। तो इस तरह से एक कला का विस्तार दूसरी कला से हो जाता है, तो ये ब्लेसिंग है। और कोई गुरु मिल जाता है तो वो सिखाई भी जा सकती है, और अगर है अंदर तो वो उभर के बाहर आ ही जाती। आपका कविता लेखन यथार्थवादी है, कल्पना से प्रेरित है, या स्मृति पटल से पुनः प्राप्त किया हुआ? मेरी तो कविताएं साहित्य के किसी भी नियम पे खरी नहीं उतरती हैं क्योंकि मेरे लेखन में एक विचार है, वो विचार शुरू होता है और ख़त्म हो जाता है। अब वो 2 लाइन का भी हो सकता है, वो 8 पंक्तियों तक भी खिंच जाता है, और कभी कभी 10-12 पंक्तियां भी आ जाती है, बट एक रैंडम थॉट है वो। और मुझे ये लगता है कि मेरी कविता साहित्य के किसी नियम पर खरी नहीं उतरती, क्योंकि मैं अपने देवता के समक्ष अगर प्रस्तुत होती हूँ तो उसके सामने प्रस्तुत होने का कोई नियम नहीं है। अगर नियम मैं मानूंगी तो वो भाव खो जाएगा, और जब भाव खो जाएगा तो कविता में वो भाव नहीं आएगा।
तो वो एक विचार है। और कई बार ऐसा भी लगता है कि स्मृति पटल में कुछ अंकित है, कुछ चीज़ें दबी हुई हैं, तो वो निकल के बाहर आती हैं, क्योंकि कुछ कविताएं ऐसी भी लिखती हूँ कि लिखने के बाद जब मैं खुद पढ़ती हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने लिखा है क्या, तो ऐसा भी एहसास होता है। तो साहित्य तो एक ऊपर वाले की नेमत है, और आप में इतना, एक लेखक इतना साहस कर सकता है कि वो उन विचारों की अभिव्यक्ति कलम के जरिए पन्नों पर कर दे। तो आपकी कविताएं जो हैं ये मुक्त भाव की कविताएं हैं, और जैसा मैंने पढ़ा तो पढ़ के ऐसा लगता है कि आपसे तो ऑफकोर्स मेरी बात हुई थी, बट कोई भी शायद पढ़े आपकी कविताएं तो ऐसा लगता है जैसे जो भी इसको लिख रहा है वो भावनाओं के किसी दौर से गुजर रहा है, और एक पेन उठाया और जो मन में फीलिंग्स आईं वो लिखते चले गए। तो ये जो आपका कविता लेखन है ये आपको कैसे इंस्पायर करता है, मतलब क्या चीज़ है जो आपको इंस्पायर करती है कि आप लिखना चालू करती हैं, और इस तरह की कविताओं में आप कैसे डिसाइड करती हैं कि इसको ख़त्म कैसे करें? क्योंकि आम तौर पर जो तुकबंदी वाली कविताएं होती हैं उसका एक सर्टन एक पॉइंट पे पहुंचकर पता, मतलब पढ़ने वाले को भी एक आइडिया लग जाता है कि ये यहाँ ख़त्म हो जाएंगी, पर आपकी कविताओं में मुझे ये एक डिफरेंट चीज़ देखने को मिली है। वो क्योंकि एक वैचारिक कविता है, एक विचार से शुरू होती है और जब वो विचार समाप्त हो जाता है वो ख़त्म हो जाती है कविता, जब आप लोग मेरी किताब लेंगे उसके बाद आप इस चीज़ को समझ पाएंगे, और वो विचार आपको लास्ट में क्वेश्चन मार्क दे जाएगा। अब आप उसको सुलझाते रहिए, आप उसमें उलझते रहिए, कविताएं कुछ इस तरह से आ जाएंगी। तो मेरा मतलब जो लिखने का, कभी एडिटिंग नहीं कर पाती मैं अपनी कविताओं की, क्योंकि वो एक विचार है, एक विचार के रूप में लिखा गया और वो बस वहीं ख़त्म हो गया, और वो जितना आना है वो एक बार में आ गया, तो कभी कभी चार पंक्तियों में भी ख़त्म हो गया, और कभी कभी जो एक वार्तालाप हो गया, मतलब जो कि खुद से वार्तालाप हो गया, या मतलब कई कविताओं में मैं संबोधन मैं खुद ही करती हूँ कि जानते हो, तो वो जानते हो कौन है मेरे को नहीं मालूम जानते हो कौन है, लेकिन वो एक अभिव्यक्ति हो जाती है कि जानते हो, तो अब सामने ईश्वर भी है, ईश्वर की मूर्ति है या जो भी है, वो एक वार्तालाप है, और वो जब अपनी बात कह दी तो वो ख़त्म हो गई, इस तरह से वो कविता रच दी जाती है। तो मतलब आपका कोई एक सेट पैटर्न है कि भाई इसी तरह इसी माहौल में आप वो कविता लिखेंगी, या कोई सुबह का समय, या जैसे राइटर्स कई राइटर्स होते हैं जिनको कि एक बड़ा डेफिनेट सेटअप चाहिए होता है कुछ लिखने के लिए, आप कैसे लिखते हैं? नहीं, ना तो सेटअप चाहिए, ना समय चाहिए, ना टेबल कुर्सी चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए लिखने के लिए, चलते चलते भी लिख देती हूँ, क्योंकि आजकल मोबाइल हाथ में होता है, तो जैसे ही कोई थॉट आया वो उसमें पॉइंट नोट आउट कर लिया, या उसको उसी वक्त उसमें टाइप करके रख लिया, तो इस तरह से कविताएं रची जाती हैं। जब कोई प्रोफेशनल काम करना होता है तब मैं लिखने बैठती हूँ, मेरी अपनी कविताएं, मेरी अपनी जो रचनाएं हैं वो सारे रैंडम थॉट्स हैं जो चलते फिरते घूमते काम करते सोते जागते कभी भी आ जाते। आजकल महिला सशक्तिकरण पर बहुत जोर दिया जा रहा है, बहुत बात हो रही है इसको लेकर के, और आधुनिक महिला जो है वो अपने दायित्वों का निर्वाह बहुत बखूबी कर रही हैं, पर कहीं चाहती हैं कि रीति रिवाजों और परिपाटी से उन्हें मुक्ति मिले। आपने ज़रूर इस पर्टिकुलर टॉपिक पर कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा, वो हमें प्लीज़ सुनाएं। बिल्कुल लिखा है, और करवा चौथ पे लिखा है, और वो लिखने का विचार इसलिए आया कि जो हमारी परंपराएं हैं वो हमारी जड़ों में हैं, लेकिन कई बार जब आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मेरा ये विचार है, हो सकता है मैं आप लोग इससे असहमत भी होंगे, कि महिला अशक्त थी ही कब? हम हिंदुस्तान का इतिहास उठाकर देखें तो हम तो राधा के, मीरा के, राम से पहले सीता, कृष्ण से पहले राधा, हम तो हमेशा से आगे ही रहे हैं, हम अशक्त तो थे ही नहीं। रूरल एरियाज़ की अगर हम बात करते हैं तो आप ठीक है, कुछ नियम ऐसे बन गए जहां पर्दा प्रथा आ गई और फिर महिलाएं पीछे चली गईं, या अब के दौर में जहां पर कुछ घटनाक्रम ऐसे हो जाते हैं तो उन्हें अशक्त हम पाते हैं, लेकिन हम ताकत हैं
और जो परिवार को हम दे सकते हैं, जो महिला दे सकती है, वो कोई दूसरा नहीं दे सकता। तो सशक्तिकरण की बात करते हुए, परंपराओं की बात करते, करवा चौथ पर मैंने एक कविता लिखी थी, क्योंकि होता ये था कि सब लोग बोलते थे कि करवा चौथ की बधाई, करवा चौथ की बधाई, फिर उनको पता चला कि भाई मैं करवा चौथ नहीं करती, तो नहीं करती तो नहीं करती, क्योंकि मैं जोधपुर की हूँ, मारवाड़ की हूँ, हम तीज करते हैं, करवा चौथ हमारे को बचपन से ही नहीं सिखाया, तो ना तो कथा आती है ना भाव आते हैं, तो फिर कैसे करूँ। वो तो अभी टीवी ने और सीरियल्स ने करवा चौथ का चलन पूरे दुनिया में चला दिया, तो वो इस तरह से वो बहुत सभी लोग उसको करने लगे। तो फिर एक कविता मेरे दिमाग में आई, वो मैं आप सबको सुनाती हूँ, और ये थोड़ी सी डिफरेंट कविता भी है मेरे लेखन से, तो आप सब इंजॉय भी करेंगे इसको। कितने बरस हो गए हैं ब्याह को, मैं ये परंपरा नहीं निभाती, तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ नहीं करती। मुझे याद है अग्नि साक्षी थी हमारे बंधन की, जब कुछ वचन लिए थे हमने, जब कुछ वचन लिए थे हमने एक दूजे के लिए, अस्तु कहा था ना मैंने, जबान की बहुत पक्की हूँ, हर कर्तव्य निभाती हूँ, बस करवा चौथ नहीं करती। बहुत शौक था मुझे गहने पहनने का, बहुत शौक था मुझे गहने पहनने का, तुम्हारे हर संघर्ष को पहन लिया पायल की तरह, बस अब उसी की खनक है जिंदगी में चारों ओर, अब मैं चूड़ी बिंदी भी नहीं पहनती, और हाँ तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ भी नहीं करती। हर सुबह तुम्हारे सिर पर हाथ फेर कर तुम्हें उठाती हूँ, बहुत प्यार से तुम्हारे लिए कॉफ़ी भी बनाती हूँ, लेकिन मैं खुद के लिए चाय बनाना नहीं भूलती, और हाँ तुम्हारे लिए करवा चौथ भी नहीं करती। अलमारी से तुम्हें कपड़े निकाल कर देती हूँ, इस पैंट पर ये शर्ट पहनो डिज़ाइनर की तरह कहती हूँ, अब मैं तुम्हारे कपड़े अपने हाथ से नहीं धोती, और हाँ तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ भी नहीं करती। तुम्हारी हर उलझन को अपनी जुल्फ की तरह सुलझा देती हूँ, कोई तकलीफ होती है तो ढाल लेकर तुम्हारे आगे चलती हूँ। सिंदूर में मांग में भरे अब अरसा हो गया है, सिंदूर मांग में भरे अब एक अरसा हो गया है, और हाँ तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ भी नहीं करती। तुम्हारी एक मुस्कुराहट पर मैं वारी जाती हूँ, उदासी का आलम तुम्हें छू भी ना पाए, बस यही चाहती हूँ, अपने किसी दर्द की मैं फिक्र नहीं करती, लेकिन हाँ तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ नहीं करती। अब एक लेखक यहाँ बीच में आ जाता है कि चांद मेरा दोस्त है, चांद मेरा दोस्त है, कभी आधा कभी पूरा, मैं हर रोज़ उससे अपने मन की बातें करती हूँ, लेकिन तुम्हारे लिए मैं चांद का इंतज़ार नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ नहीं करती, तुम्हारे लिए मैं करवा चौथ नहीं करती। बहुत यहाँ पर सेल्फ इश्क की बात है, जब हम खुद से मोहब्बत करते हैं, खुद से प्यार करते हैं, तो खुद से जुड़े लोगों का ध्यान तो पूरा रखते हैं, लेकिन अपने आप को भी नहीं भूलते। दिस इज द न्यू मॉडर्न वुमन। डिजिटल युग ने कविता व प्रकाशन को कैसे प्रभावित किया है, और अपनी कृति जो है वो व्यापक रीडर्स के बीच में पहुंचाने के लिए राइटर फ्रेटर्निटी को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, जब डिजिटल युग की बात करते हैं ना, तो एक चीज़ मैं पुरातन की यहाँ पर लेकर आती हूँ कि जब मीरा ने लिखा, जब कबीर ने लिखा, उस वक्त ना तो मॉडर्न एरा था, ना ये सारी सुख सुविधाएं थी जो आज हमारे पास हैं कि कंप्यूटर हैं, मोबाइल हैं, और हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम प्लेटफॉर्म्स पे उनको प्रमोट भी करवा रहे हैं, इस तरह के आयोजन हो रहे हैं जहाँ पर लेखकों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। तो जो कृति सुंदर होगी, जो भाव सुंदर होगा, और एक बार अगर वो कहीं पर सही जगह पहुंच गया तो फिर वो एक्सप्लोर हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है, चाहे वो डिजिटल प्लेटफॉर्म हो, यूट्यूब जैसा हो गया। ये कविता इसी तरह से काफ़ी, मतलब अननोन लोगों तक पहुंची है, वायरल जिसको हम बोलते हैं, हुई है। लेकिन जो साहित्य है, जो सच्चा साहित्य है, वो उसे जहाँ पहुँचना होता है वो पहुँचता है, क्योंकि वो उसकी अपनी ताकत है। मीरा के शब्द आज हम सदियों बाद पढ़ते हैं, उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा था कि वो जो लिख रही हैं उसको कौन पढ़ेगा, कोई किताबों में आएगा, या उन्होंने सिर्फ अपने लिए लिखा, अपने इष्ट के लिए लिखा, उन्होंने छपवाने के लिए नहीं लिखा।
तो साहित्य की ताकत उसको आगे लेकर चलती है, और जो प्लेटफॉर्म्स हैं तो चैलेंज आता है, क्योंकि हम सभी जो भी नए लेखक भी हैं वो सभी चाहते हैं कि हम जल्दी से हिट हो जाएं, या जल्दी से हमारा वीडियो वायरल हो जाए, या जल्दी से हमारी कविता ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। तो उसके लिए बहुत सारी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज भी हैं आजकल, तो इस तरह से चलता रहता है। लेकिन सच तो ये है कि साहित्य अपनी ताकत से चलता है। अब बात करते हैं आपके अन्य उपलब्धियों की। आप राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करती हैं, कई बरसों से कर रही हैं, इसके बारे में हमें बताएं कि ये क्या है। राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 9 साल पूरे हो चुके हैं, और अब 27 जनवरी से 31 जनवरी को जयपुर में इसका 10वां सीज़न है। तो ये जो फेस्टिवल है, ये सिनेमा समाज सरोकारों का सिनेमा जो होता है वो किस तरह जनता तक पहुँचे, और किस तरह जनता जैसे किताबों को, साहित्य को समझती है, वैसे सिनेमा को भी समझे। कि हीरो बनना सिर्फ सिनेमा की स्क्रीन पे आ जाना हीरो बनना नहीं होता, उसके पीछे बहुत संघर्ष होता है, बहुत सारी पढ़ाई होती है, टेक्निकल स्टडीज़ होती हैं, जो कैमरामैन्स होते हैं, एडिटर्स होते हैं, सिनेमाटोग्राफर्स होते हैं, वो सब भी सिनेमा के हीरो हैं जिनकी मेहनत से वो बनता है। तो हमारे फेस्टिवल का मुख्य उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि राजस्थान की धरती से एक ऐसा फेस्टिवल उभर के आए जो यहाँ के बच्चों को, यहाँ के युवाओं को इस चीज़ का मर्म समझाए कि हीरो बनना हमारा एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें उसको वहाँ तक पहुँचने के लिए जो संघर्ष है, जो सिनेमा है, जो पढ़ाई है, समझने की ज़रूरत है। और क्योंकि फिल्म बच्चे चाहते हैं कि हम वहाँ तक पहुँचे, तो प्रॉपर वे में उन तक ये चीज़ पहुँचे। अब कुछ कॉलेजेस फिल्म एंड टेलीविज़न के भी बन गए हैं, तो वो बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिलता है। सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं फेस्टिवल में तो उनको वन ऑन वन इंटरेक्शन का मौका मिलता है, इस तरह की बातचीत होती है, तो वो वहाँ पर उन कहानियों को सुनकर कुछ प्रेरणा लेते हैं बच्चे, इंटरेक्शंस होते हैं, पर्सनल इंटरेक्शंस होते हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और राजस्थान क्योंकि पर्यटन एक अच्छा टूरिज़्म हमेशा से रहा है डेस्टिनेशन, तो यहाँ के बहुत सारी शूटिंग बॉलीवुड, हॉलीवुड और भी साउथ इंडस्ट्री में काफ़ी होती है, तो एटलीस्ट हर क्षेत्र में जब सिनेमा की बात होती है तो एक टूरिज़्म को हम बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने निकाली हैं, वो लोगों तक पहुँचे, वो फिल्म मेकर्स तक पहुँचे, ये हमारी कोशिश रहती है। तो ये फेस्टिवल इस तरह से हम कनेक्ट करते हैं, बेसिकली बच्चों को एजुकेट करने वाला, यूथ हो गए, फिल्म मेकर्स जो हो गए, और उनको टूरिज्म पॉलिसी जो गवर्नमेंट की है वो सारी डिटेल्स उन तक पहुँचे, किस तरह से हम उनको बढ़ावा दे सकते हैं, वो चीज़ें पहुँचे। आप एक बाइलिंगुअल मैगजीन सिंपली जयपुर का भी संपादन कर रही हैं, इसकी शुरुआत के पीछे क्या प्रेरणा रही? इसकी जब लेखन की शुरुआत करी थी 2008-09 में, तो 2-4-5 साल फ्रीलांस राइटिंग करी, तो उस वक्त एक शौक हो गया था कि अब लिखना शुरू किया है तो अब लिखना ही कंटिन्यूटी बनी रहे। नौकरी नहीं करना चाहती थी क्योंकि बच्चे छोटे थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो घर में ही रहना था, तो घर में रहकर ही काम करने का मन था। जब दोपहर में 2-3 घंटे किसी मदर को मिलते हैं तो उस टाइम में लिखना शुरू किया। और कुछ ऐसा फिर से एक टर्निंग पॉइंट आया कि 2013 में ये मैगज़ीन शुरू हो गई, क्योंकि ऐसा स्पेस था जयपुर में। उस वक्त मैंने देखा कि सिंपली जयपुर जो मैगज़ीन है, इट्स अ फर्स्ट बायलैंग्वल मैगज़ीन ऑफ राजस्थान, तो ऐसी कोई मैगज़ीन नहीं है जो आपकी सिटी को प्रमोट करती हो, आपके राजस्थान को प्रमोट करती हो, क्योंकि जयपुर इज़ अ कैपिटल। तो आप सिर्फ शहर को नहीं, आप अपने पूरी परंपराओं को, आपके राजस्थान को प्रमोट कर रहे हो। तो इस तरह से ये मैगज़ीन की शुरुआत हो गई। और मेरे हस्बैंड सोमेंद्र जी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहे, और ऑफिस सेटअप हमारा सब था, डिज़ाइनिंग टीम थी, सब कुछ था। तो जब थॉट आया तो उन्होंने कहा नहीं शुरू करो, हो जाएगा, तो उन्होंने समंदर में धक्का मारा, फिर ये इस तरह से इस चीज़ की शुरुआत हुई। और जितना मैं घर में रहना चाहती थी उतना ही मैं बाहर आ गई। भविष्य की क्या योजनाएं हैं, क्या स्वप्न हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहेंगी? स्वप्न नहीं है कुछ भी, क्योंकि अब जब पीछे मुड़ के देखती हूँ ना, तो ये सब अपने आप ऊपर वाले ने प्लान करके भेजा हुआ है। तो
सोचती हूँ अच्छा ही होगा, बड़ा ही होगा, बड़े सपने यही लेती हूँ कि यहाँ तक पहुँची हूँ तो आगे भी ऊपर वाले की प्लानिंग मेरे लिए बहुत परफेक्ट है और बहुत ही अच्छी जाने वाली है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि आज मैं जहाँ हूँ तो मैं यहाँ कभी पहुँचूँगी। जब 2000 में शादी हुई तब मैंने सिर्फ 12th पास किया था, ग्रेजुएशन उसके बाद हुआ, बच्चे उसके बाद हुए, और फिर लेखक बनी तो भी अचानक ही बन गई। जब मैगज़ीन शुरू की वो भी अचानक से हुआ, जब फेस्टिवल शुरू किया वो भी अचानक से हुआ। तो ये तो हर मोड़ पे ईश्वर मोड़ता गया उंगली पकड़ के और मैं मुड़ती गई। तो सिर्फ सपना यही लेती हूँ कि वो जहाँ ले जा रहा है वो बेस्ट ही लेकर जाएगा। एक कविता भी है मेरी कि मैंने ख्वाब देखना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है कि उम्मीद छोड़ दी, लेकिन मेरे ख्वाब से हो सकता है मैं ख्वाब ट्रॉफी का देखूं और वो चॉकलेट देना चाहता है तो मैं क्यों ट्रॉफी का ख्वाब देखूं। तो सब कुछ समर्पित है, वो जहां लेकर जाएगा मैं जाऊंगी, क्योंकि इस बीच इस 10-12-15 सालों के सफ़र में बहुत विदेश यात्राएं भी करी हैं लेखनी को लेकर, तो उसकी प्लानिंग परफेक्ट है, मतलब कहीं कोई कमी है ही नहीं। तो इतनी सारी फील्ड्स में आप मतलब एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक राइटर हैं, पोएट हैं, एडिटर हैं, पब्लिशर हैं, तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं इनमें तालमेल आप कैसे बिठा लेती हैं? ये भी तालमेल, देखिए परिवार का साथ तो होता ही है, फैमिली संभल जाती, बच्चे संभल जाते हैं, परिवार वाले संभाल लेते हैं, घर में मदर इन लॉ हैं वो संभाल लेती हैं, हस्बैंड का सपोर्ट है, वो सारी चीज़ें हैं, फिर मन का विश्वास है, और फिर ये है कि नैया तेरी राम हवाले, लहर लहर अरी आप संभालें, तो वो वाली बात है। अब आपकी कुछ पसंदीदा कविताएं आपसे सुनना चाहेंगे। पसंदीदा मैंने कुछ सेलेक्ट करके रखी हैं, मैं वो आपको सुनाती हूँ। ये बस चार पंक्तियाँ हैं इसमें, और इन चार पंक्तियों में फिर से वही भाव है, सामने वाले से मेरी बातचीत है। अब वो सामने वाला आप सुनने वाले की नज़रों में कोई भी हो सकता है। अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब तुम्हें मुझसे मिलने आना है। अब मैं नहीं आऊँगी तुमसे मिलने, अब तुम्हें मुझसे मिलने आना है, ख्याल रखना है तुम्हें क्योंकि ये रिश्ता पुराना है, ख्याल रखना है तुम्हें क्योंकि ये रिश्ता पुराना है। और ये एक कविता मैं आपको सुनाती हूँ, ये वो कहते हैं ना अगले जन्म मोहे बिटिया ना कीजो, उस तरह का कुछ भाव लिए हुए है कि अगले जन्म में मुझे चांदी बना देना, अगले जन्म में मुझे चांदी बना देना जो बन सके तुम्हारी देहरी। जब हम मंदिर जाते हैं तो देखते हैं कि उसकी देहरी चांदी की होती है। अगले जन्म में मुझे चांदी बना देना जो बन सके तुम्हारी देहरी, जिस पर तुम कदम रखते हो। अगले जन्म में मुझे चांदी बना देना जिससे बन सके एक दिया जो हर दिन तुम्हारी आरती उतारे। बना देना वो चांदी जिससे बन सके तुम्हारा मुकुट जो सज सके तुम्हारे मस्तक पर, या बना देना वो छत्र जो सदैव छाया देता है तुम्हें। अगले जन्म बना देना मुझे चांदी जिससे बन सके तुम्हारी गदा, अगले जन्म चांदी बना देना मुझे जिससे बन सके तुम्हारी गदा, हर प्रहार मंजूर होगा मुझे तुम्हारा दिया हुआ। बना देना मुझे निर्जीव चांदी जो हर रूप में ढल जाए तुम्हारे लिए, बस अगले जन्म में मुझे बेटी मत बनाना जो इस दुनिया के नियम कायदे निभाए, जो इस दुनिया के नियम कायदे निभाए। अब क्योंकि प्लेटोनिक लव जो किताब है वही आप यहाँ से आज लेकर जाएंगे, तो जो कविताएं मैं सुना रही हूँ वो उसी भाव में है, क्योंकि प्लेटोनिक अगर हम बात करें तो एक अनकंडीशनल लव की बात होती है और मैंने उसको नाम दिया है आध्यात्मिक प्रेम। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, ये प्रसंग आप इस तरह से ले सकते हैं कि जब हम मंदिर जाने के लिए बहाने बना लेते हैं कि आज तो गर्मी बहुत थी, आज तो सर्दी हो गई, आज बरसात आ गई, मैं नहीं जा पाई, एक रीज़न दे देते हैं हम।
मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन सूरज का ताप बहुत तेज था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, रास्ते में कोहरा बहुत था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, वो बादल बहुत जम के बरसा। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, अमावस का अंधेरा बहुत था। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, नदी में नाव नहीं थी। मैं आना चाहती थी तुमसे मिलने, लेकिन शायद मेरी चाहत में कमी थी। वरना तुम एक पगडंडी बना देते मेरे लिए, तुम तो त्रिलोकी के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या कमी थी। तुम तो त्रिलोकी के मालिक हो, तुम्हारे पास क्या कमी थी। तो इसका जो भावार्थ निकल के आता है वो ये कि मैंने ही चाहत में कमी रखी तो वो चीज़ आप मुझे दे नहीं पाए। मैनिफेस्टेशन जिसको कहते हैं ना, कि देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, अगर आप चाहोगे तो वो देगा। तो तुम तो त्रिलोकी के मालिक हो, शायद मेरी ही चाहत में कमी थी इसीलिए वो चीज़ ना मुझे नाव मिली ना मुझे सुकून मिला। तो ये भाव लिए हुए ये कविता है। कविता एक ऐसा संसार है जो आपको शायद कवि ना बना पाए, पर एक भावुक और सहृदय इंसान ज़रूर बना देता है। और कभी अगर आपकी भावनाओं से कोई कविता मैच कर जाती है तो बार बार पढ़ने का भी जी चाहता है। ये सत्र अब आप लोगों के लिए खुला है, आप एक एक करके अपने प्रश्न अंशु जी से पूछ सकते हैं। जो जैसे आपने बताया 2008 आफ्टर मैरिज, आई थिंक तब तक हम सारी होप्स छोड़ देते कि हम क्या करने वाले हैं या हमारा करियर कैसा बनने वाला है। सो एज अ यंग चाइल्ड ड्यूरिंग योर चाइल्डहुड आपने कभी भी ऐसे नहीं सोचा, इस पाथ पे कभी गए भी नहीं? जैसे हमेशा हम हमारे बच्चों के साथ हम सोचते हैं कि अच्छा उनका करियर बनाए तो उनको उस चीज़ पे फोकस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर लिटरेचर है तो उनकी वोकैबुलरी है, उनकी राइटिंग स्किल्स हैं, उनकी रीडिंग स्किल्स है, उस पर एफर्ट्स डालते हैं। आई एम श्योर यू नॉट गॉन थ्रू एनी ऑफ दिस काइंड ऑफ फॉर्मेट जो आज के जनरेशन सब एम्फेसाइज करते हैं। सो हाउ डिड यू फील इन दिस वर्ल्ड व्हेन यू एंटर दिस राइटिंग वर्ल्ड, यू नो, कि आपको कैसा फील हुआ? एम आई लैकिंग, आई एम कम्पीटिंग, आई नीड टू ग्रो, और इट वॉज ऑलवेज ईजी गोइंग पाथ? ज़िंदगी के रास्ते में दो राहें मिलती हैं हमेशा, एक राह में भीड़ होती है और एक राह में आप अकेले होते हो। तो राइटिंग की फील्ड में भी वैसा ही है, कंपटीशन है बहुत सारा, लेकिन मुझे उस भीड़ में जाना ही नहीं है, उस भीड़ का हिस्सा नहीं होना है। क्योंकि अगर भीड़ का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे तो अपना सुकून खो देंगे, और जब अपना सुकून खो जाएगा तो फिर वो रचनात्मकता, वो जुड़ाव खुद से खो जाएगा। तो जो मिलता है, जो आता है, उसको रिलिश करना, उसको एन्जॉय करना, वो ही मैं सोचती हूँ। और अपने बच्चों को भी वही सिखाती हूँ कि जब वो मैं छोटी थी तो मैं डॉक्टर बनना चाहती थी। बच्चों से पूछते ना बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनना है। साइंस भी लिया, दो साल उसको पढ़ा भी, लेकिन फिर उसके बाद जीवन ही बदल गया तो वो पुराने सर्टिफिकेट सारे फाड़ दिए थे, आज एक भी नहीं है। वो जो आप कह रहे हो ना कि सारी होप्स खो देते हैं, तो होता है वो, लेकिन फिर अपनी ज़िंदगी में इतना रम जाते हैं कि उस चीज़ को एंजॉय करने लगते हैं। रेबेलस नहीं हुई मैं कभी, मारवाड़ में आप देखते ही होंगे, जोधपुर में घूंघट भी हमने निकाला, उस घूंघट से निकल के आज जहाँ तक पहुँचे हैं या और जहाँ तक पहुँचने के लग रहा है कि और अभी तो बहुत दूर तक जाना है। तो वो सारी चीज़ें सोचते हुए कि जो आपकी अंदर से आवाज़ आती है वो आपको करना चाहिए, कि ये बनना है या ये करेंगे से नहीं, आपका इनर। और स्पेशली लड़कियों को या फीमेल्स को हमेशा मैं यही, जब भी कभी बोलने का मौका मिलता है तो यही कहती हूँ कि अपने शौक़ को ज़रूर थोड़ा सा समय देना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हॉबी होती है, वो आपके अंदर है, वो आपको ज़रूर नए पंख देती है उड़ने के लिए। मैंने लेखनी को बहुत सिर्फ एक घंटा डेढ़ घंटे का समय दिया जीवन में, जब देना शुरू किया, और वो आज मेरे को 7 किताबों तक ले आया पिछले 10 साल में 12 साल में, तो वो एक अचीवमेंट ही है मेरे लिए। तो बचपन में नहीं सोचा था कि लेखक बनूंगी, किस्मत ने बना दिया। थैंक यू, बहुत ही अमेजिंग टॉक है। तो अगर आप बोलते हो कि किस्मत का कितना रोल है, और कितना किस्मत तो बहुत लोगों के पास आती है, बट आपका कितना रोल है, एंड आपकी कविता जो लास्ट थी आप सरेंडर की बात करते हो, बट इन दैट आई फेल लाइक
आपको कुछ चाहिए, लाइक देयर इज अ लैक विद इन कि मेरी कुछ कमी रह गई इसलिए यूरिन कम, तो दोनों पे अ बिट ऑफ प्योरिटी. तो वो जो समर्पण है, दैट समर्पण इज टू गॉड. वो समर्पण ऊपर त्रिलोकी के मालिक, मैंने ये बोला है. तो अगर हम इस तरह से बात करें कि यू जस्ट लिव इन दिस मोमेंट, अभी क्या हो रहा है उस पल में जीना है. हम क्या करते हैं कि हम आगे की प्लानिंग में जीते हैं या हम पीछे की चिंता में जीते हैं. इस वक्त को जीना इम्पॉर्टेंट है, और इस वक्त को जब जिएंगे तब हम, तब अपने आप हमारे को लाइफ वो मौके देगी और हम उस पल को जीते चले जाएंगे. कई बार ऐसा होता है कि हम कल की प्लानिंग कुछ और कर लिए, लेकिन सुबह कुछ ऐसी दूसरी मीटिंग्स आ जाती हैं या कुछ दूसरे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जो आपने सोची नहीं होती हैं. तो बेटर है कि जो सामने आ रहा है आप उसके लिए तैयार रहो और उसको जियो. तो लाइफ हमको वो सारी चीज़ें देगी. और समर्पण मीन्स द डेडिकेशन टू द गॉड कि भाई आप जो दोगे, मुझे आप पे विश्वास है कि आप अच्छा ही दोगे. कुछ ऐसे मोमेंट्स हैं लाइफ में जो टफ होते हैं, लेकिन उस वक्त भी आप मेरे साथ रहो तो मैं उनको झेल पाऊँ, उनसे बाहर निकल पाऊँ. तो वो आध्यात्मिकता मेरे साथ मेरे जीवन में चलती है तो वही मुझे सुकून लगता है. मतलब तो मेरी कविताओं में या मेरी लेखनी में या मेरे जीवन में कि सब कुछ ठीक है, सारे संघर्ष ठीक है, सारी चुनौतियाँ ठीक हैं, लेकिन जो ईश्वर का साथ है वो मेरे साथ रहे तो मैं कहीं पीछे नहीं रहूँगी या वो मुझे आगे ही बढ़ाएगा. तो लिव द मोमेंट, उस पल को जीना है. द रोल ऑफ किस्मत लाइक कहाँ से आता है? बिकॉज आई गेट इट के सरेंडर, बट जब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ नहीं समझ रहा, तब वो सरेंडर लाइक वेदर इट्स राइटिंग एनीथिंग, वेयर डज दैट कम फ्रॉम? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग. किस्मत कहाँ रोल प्ले करती है कि आपको जब आप स्टक हो तब कैसे आप सरेंडर कर देते हो? लाइक मेरे को वो जानना है कि आपकी लेखन में किसी किस्म का अवरोध आ जाए या प्रेरणा की कमी हो तो उस क्षण को आप, उस क्षण से आप कैसे उभरती हैं? राइट, दैट्स व्हाट यू वांट टू से, लाइक हाउ डू यू डू इट? सर मुझे समझ आया कि आप सरेंडर को बहुत करते हो, बट लाइक मेरे को सीखना है वो कि कैसे करते हो आप. हर पल ही मेरा तो सरेंडर है. मतलब मैं तो सरेंडर से बाहर ही नहीं निकलती. तो दैट इज़ द मोमेंट कि भाई जो भी है वो, जब गीता पढ़ेंगी तो गीता में यही लिखा है कि हंसी आपकी, खुशी आपकी, आंसू आपकी, मुस्कान आपकी, धूप आपकी, छाया आपकी, बारिश आपकी, नदी आपकी, समंदर आपका, जब एवरीथिंग इज़ यू. तो मैं तो उससे बाहर हूँ ही नहीं, तो बाहर निकलना ही नहीं है. जब सब कुछ सरेंडर में है तो जो कठिन समय है वो भी उसका, जो हंसी का क्षण है वो भी उसका. तो उस सरेंडर से बाहर आना ही नहीं है, तब आप देखोगे कि आपकी लाइफ बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाती है. समर्पण हो गया वो. हाँ वो पूरा, हाँ समर्पण हो गया. हिंदी में समर्पण हो गया और अंग्रेजी में बोलेंगे तो हाँ एक्सेप्टेंस हो गया या सरेंडर हो गया वो. तो ये भाव अंशु जी कहाँ से आया? मेरी माँ सामने बैठी हैं तो फिर वहीं से आएगा. ये शुरुआत से आया या फिर आप आपने जब लिखना चालू करा तब आप ऑलरेडी आपके बच्चे थे तो एक पेशेंस लेवल और एक एक्सेप्टेंस वहाँ से भी होती है? नहीं, क्या होता है कि कुछ चीज़ें तो देखें हम, हाँ वो आशीर्वाद हो सकता है वहाँ से भी आया हो, लेकिन क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हम प्रारब्ध की लेकर आते हैं और समय के साथ उनकी परतें खुलती हैं. तो जब वक्त आता है तब वो परतें खुलती गईं और ईश्वर की कृपा रही कि मैं एक इस तरह की आध्यात्मिक फैमिली में मेरा जन्म हुआ जहाँ पर सभी लोग इस तरह के भाव लिए हुए हैं. तो वो भावों, उन भावों का समय के साथ विस्तार होता गया और मैं उनमें और डूबती रही. गुड इवनिंग. आई वॉन्टेड टू आस्क, आपको लगता है कि एक लेखक को जल्द शुरू करना चाहिए लिखना, या अगर जैसे आपने अगर एक समय के बाद शुरू किया तो भी ठीक है? मतलब आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क दैट इज़ इट गुड टू बी यू नो ओल्ड एंड देन राइट
the maturity comes in, or if you start early, that helps as an experience? नहीं, मैंने तो बहुत सारे बच्चों को बहुत उम्दा लिखते हुए देखा है, क्योंकि इसी क्षेत्र में काम करती हूँ, बुक रीडिंग क्लब है, तो उसमें बहुत से बच्चे भी ऐसे हैं जो बहुत ही अच्छे तरह से लिख लेते हैं. तो ऐसा नहीं है कि कब शुरू करना है, जब लगे कि लिख लेना चाहिए तो लिख लेना चाहिए. हम उसको पब्लिश कब करवा रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन भावों की अभिव्यक्ति कर लेना ठीक रहता है. जैसे जब लोग डायरी लिखते हैं तो एक राइटिंग थेरेपी की तरह वो काम करता है. हमारे अंदर के जो गुबार होते हैं या जो जज्बात होते हैं, जो दर्द होता है, वो कलम के ज़रिए जब बाहर आ जाता है तो अंदर एक सुकून मिलता है. एक बहुत ही मतलब अच्छा सा एग्जांपल यहाँ मैं आपको दूंगी कि पुराने ज़माने में लोग चिट्ठियाँ लिखते थे और अब ज़माने में लोग व्हाट्सएप मैसेज भेजते हैं. तो चिट्ठी लिखने में जो गुस्सा करते थे वो एक बार पढ़ने में ऐसा लगता था कि नहीं यार ज़्यादा ही गुस्सा हो गया, ये चिट्ठी पोस्ट होने के लायक नहीं है. और अब क्या होता है कि व्हाट्सएप मैसेज लिखा, फट से पोस्ट हो गया, अब तो डिलीट का ऑप्शन अब आ गया, पहले तो वो भी नहीं था, तो वो रिश्ते वहीं से ख़राब हो जाते हैं. नहीं तो चिट्ठी लिखने में वो पोस्ट नहीं होती थी, गुबार निकल गया तो वो अंदर से गुस्सा वैसे ही बाहर आ गया. तो राइटिंग एक थेरेपी की तरह काम करती है. आप चाहे छोटे हों, चाहे बड़े हों, या जो भी उम्र हो, लिखना अपने जीवन में रखना चाहिए कि जो विचार हैं उनकी अभिव्यक्ति ज़रूरी है. आप उसको एक बुक के फॉर्म में लाते हैं या पब्लिश कब करवाते हैं वो आपका अपना, किसी भी लेखक का अपना डिसीजन होता है. और अभिव्यक्ति उम्र की मोहताज नहीं. अभिव्यक्ति उम्र की मोहताज नहीं. और एक आखिरी सवाल, मतलब मेरी तरफ से, कि आपकी प्रेरणा, व्हाट इज़ लाइक द व्हाट यू कीप एज दैट, यू नो, ये मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट या मुझे इंस्पायर करता है टू राइट. ये इतनी सुंदर प्रकृति है ना, ऊपर वाले की देन है, नदियाँ, समंदर, पहाड़, सारे रिश्ते, इतने सारे खूबसूरत लोग, आप सब लोग, इतने रंग, ये सारी प्रेरणा है. कवि के लिए सारा एक ऑब्जर्वेशन होता है, मतलब जो जो चीज़ जहाँ पर अच्छी लगी, जो चीज़ जहाँ पर दिल को छुआ, चाहे वो दर्द ने छुआ, खुशी ने छुआ, जिसने भी छुआ. क्योंकि लेखक जब लिखता है तो वो सिर्फ अपने विचार लिखे या अपनी अपनी भावनाएं लिखे वो ज़रूरी नहीं है, वो पूरे कायनात के विचारों को अपनी कलम के ज़रिए पन्नों पर उतारता है. और ये उसका साहस होता है कि वो उतार पाता है. आमतौर पर लोग ये सवाल पूछते हैं कि भाई इतना दर्द लिख दिया, क्या हो गया जीवन में, जबकि ऐसा नहीं होता. मतलब एक लेखक के लिए पूरा विस्तारित आसमान है जहाँ पर वो अपनी कलम चलाता है. वो दर्द उसका नहीं है, वो उसने देखा और उसका साहस है कि वो उसने कलम पर, कलम के ज़रिए पन्नों पर उतार दिया. तो ये तो सारी सृष्टि उसके लिए एक ऑब्जर्वेशन और प्रेरणा है कि वो लिख पाता है. पहले तो आपको जो बुक आई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई. अभी जो आपने कविताएं जो सुनाई वो महिला पीड़ा को लेकर, आपकी जो भीतर जो वेदना है उसको आपने रेखांकित करते हुए कुछ कविताएं सुनाई. तो मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपका पहले पीड़ा उतरती है या मोटिवेशन उतरता है? बिकॉज आपने अभी जो कविताएं सुनाई वो सारी पीड़ाओं को लेकर थी. एक महिला के भीतर उठने वाली जो वेदना होती है उसको आपने रेखांक अपने कागज़ों पर उतारा है. तो पहले आपको मोटिवेशन मिलता है कि मैं इसे उतारूं, या पहले पीड़ा महसूस होती है? और मोटिवेशन के लिए आपने क्या लिखा है? क्योंकि आप हमारी, हम सबको क्या मोटिवेट, किस तरह से मोटिवेट करना चाहती, क्या संकेत देना चाहती हैं, क्या मैसेज देना चाहती हैं, वो मैं, ये दो प्रश्न हैं मेरे. प्रेम, प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश दूंगी. क्योंकि हो सकता है जो दो कविताएं या तीन कविताएं मैंने सुनाई वो आपको उस एक महिला सशक्तिकरण के भाव से लगी होंगी, लेकिन एक छोटी सी कविता मैं आपको सुनाती हूँ जिसमें प्रेम का संदेश है. जो तुम्हारा प्रेम अनकहा अनछुआ और मेरे हृदय में उसका मासूम एहसास, तुम्हारा प्रेम दिव्य तेजस्वी उज्ज्वल और मेरे हृदय में उसका एहसास जलती हुई ज्योत सा, तुम्हारा प्रेम मेरे लिए जीवन का सहारा और मेरे अधरों पर एक मुस्कान उस साथ के एहसास की, तुम्हारा प्रेम मेरे आसपास हवा की तरह बहता हुआ और मैं आंखें मूंद कर
बाहों का सहारा मानकर चलती हुई। तुम्हारा प्रेम मेरे जीवन की पूर्णता और अधूरी सी मैं तुम्हें हर पल खोजती हुई और अधूरी सी मैं तुम्हें हर पल खोजती हुई। तो मेरी कविताओं में आपको ज़्यादातर प्रेम भी मिलेगा, और प्रेम ऐसा नहीं है कि हम एक ही दिशा में प्रेम को देखें कि प्रेम प्रेमी और प्रेमिका के बीच का ही प्रेम है। शबरी का भी प्रेम था, मीरा का भी प्रेम था, अहिल्या का भी प्रेम था। तो प्रेम हमारे जीवन में हर तरह से अलग रूप लिए आता है। रिश्तों के अलग प्रेम है, दोस्ती का अलग भाव है, वो एक अलग प्रेम है, माँ का अलग प्रेम है। तो प्रेम के भी बहुत सारे रूप हैं जीवन में। तो मेरी कविताओं में जो आपको संदेश मिलेगा वो उस भाव का संदेश मिलेगा। तो मीन्स प्रेम आपका मोटिवेशन है। जी, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। बहुत यादगार सत्र रहा अंशु जी, और चलते चलते आपके लिए दो लाइनें कहना चाहूँगी कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद आपका शैलजा जी, आपका प्रीति जी, और प्रभा केतान फाउंडेशन का कि एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से धन्यवाद कि अपने शहर में अपने लोगों के बीच में आज जो मुझे ये बात करने का मौका मिला, जहाँ मेरे माँ बैठी हैं, जहाँ मामा मामी चाचा चाची भाई बड़े भाई सब लोग बैठे हैं, उस मंच पर जब आप अपने आप को अभिव्यक्त करते हो तो ऐसा पहली बार है। तो ये पहला मौका देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और जोधपुर के लिए मैं कहती हूँ पत्थरों का शहर है, लेकिन और ये सुनकर जोधपुर वाले एक बार नाराज़ भी हो जाते हैं, ऐसे पत्थरों का शहर कैसे कहते हो, लेकिन फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, पत्थर पर जो नाम लिख जाता है वो मिटता नहीं है ताउम्र। तो ये जो नाम लिख लेते हैं अपने दिल पर वो मिटाते नहीं है पूरी उम्र के लिए, इसीलिए पत्थरों का शहर है। थैंक यू सो मच। चलते चलते आपसे राजश्री जी कुछ पूछना चाहिए। हाँ जी, खमा गणी हुकम। आज बेटा मैं आपसे नहीं पूछूंगी सवाल, मैं आपकी आदरणीय माँ से पूछूंगी कि हुकम आप बचपन बेटी ने घर में देखी हो और आज तक देख रिया हो, सुन रिया हो, सामी भी सुनिया होला, वीडियो माते भी देखिया होला, लेकिन आज इतने बड़े मंच माते आपकी बेटी विराजमान है और आपरे सामी की बोल रिया है, आपने किकर लाग रही हो, जी धक धक कर रही हो, हमारी बेटियां स्टेज चढ़े तो मारो तो यू काल जो ही फाट जाए। आपने की कर ऐसा हो रही हो? माइक दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत आभार। थोड़ा पास सुना एक कविता की, मुझे बेटी मत बनाना तो तेरी जैसी बेटी मेरे को कहां से मिलती। मैं तेरे को बेटी के रूप में पाकर अपने आप को बहुत बहुत गर्वित महसूस करती हूँ। मैं आज अंशु अर्ज की माँ हूँ और उसने मुझे इस मंच तक आने का मौका दिया। धन्यवाद। इस इमोशनल नोट पे हम एंड करते हैं आज। बहुत बहुत धन्यवाद अंशु जी, आपने इतनी खूबसूरत शाम सजाई। कम उम्र में और लंबा सफ़र, सरल भाषा में इतनी गहराई के शब्द, वाह, आपने अपनी बातों से हमारा मन मोह लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आज का सेशन हम सबको लंबे समय तक याद रहेगा। धन्यवाद आप सभी दर्शकों का जिन्होंने आज के कार्यक्रम को इतने पेशेंस और इंटरेस्ट के साथ भाग लिया। मैं ताजहरी महल की ओर से सचिन जी को रिक्वेस्ट करती हूँ कि अंशु जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। आप सभी से निवेदन है कि आप पंक्ति में खड़े होकर अपनी किताब पर ऑथर से साइन करवाएं। प्रभा केतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन ऑफ जोधपुर की ओर से आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री सीमेंट और ताजहरी महल। धन्यवाद।